नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वैलन हॉट एंड कोल्ड वाटर डिस्पेंसर को कैसे ऑपरेट किया जाता है इसके बारे में समझाएंगे और साथ ही में इसके ऊपर स्टोरेज जार किस तरह से हमें इंस्टॉल करना है इसके बारे में भी समझाएंगे। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा वैलन का हॉट एंड कोल्ड वाटर डिस्पेंसर है, जिसमें एक तो नीचे कैबिनेट आता है जिसके अंदर हम हमारी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। ध्यान रखें कि ये सिर्फ कैबिनेट है, फ्रिज नहीं है। तो दोस्तों अब मैं इसे ऑन करने जा रहा हूँ, ये मैंने ऑन किया तो ऑन होते ही पावर मोड ऑन हो जाता है और अब हम हॉट एंड कोल्ड दोनों सिस्टम को ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक रेड लाइट रेड बटन है और एक ग्रीन बटन है। जो रेड है वो हॉट के लिए होता है जो मैंने ऑपरेट कर दिया, और जो ग्रीन है वो कोल्ड के लिए, तो वो भी ऑपरेट कर दिया। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हॉट कोल्ड और पावर ये तीनों लाइट चल रही है, इसका मतलब डिस्पेंसर ऑपरेट हो चुका है। बहुत ही सिंपल है, एक बार देखने से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब इसमें हम वाटर का टेस्टिंग लेंगे हॉट एंड कोल्ड का। तो अभी इसको अभी ऑपरेट किया है तो हॉट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक हम स्टोरेज जार के अंदर की कुछ फिटिंग्स जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये है वैलन का स्टोरेज जार। तो दोस्तों ये हमारा वैलन का स्टोरेज जार जो हमें डिस्पेंसर के ऊपर इंस्टॉल करना है। तो इससे पहले इसके अंदर जो फिटिंग्स होते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो साइलेंटली आपको इस बारे में समझाया जाएगा। तो दोस्तों ये इस तरह से फिटिंग हो गया है, अब हम इसे डिस्पेंसर पे इंस्टॉल करेंगे। तो हमें क्या करना है कि डिस्पेंसर के ऊपर लगा हुआ ये जो टैंक का जो ढक्कन है वो निकाल देना है। वो ढक्कन हम निकाल रहे हैं तो उसे साइड पे कर देना है, तो उस पर ही हमें इस तरह से जो स्लॉट दिए गए यहाँ पे इन स्लॉट में स्टोरेज जार को फिक्स करना है। ओके, ये हो गया। तो आपने देखा कि स्टोरेज टैंक को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, आप इजीली उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, देन कि हमें उसका ढक्कन लगाना है, तो ढक्कन के अंदर हमारे ये फ्लोट वाल है जो इस तरह से फिट करना है। इस तरह से हमें ढक्कन को रख देना है, जो फ्लोट वाल है वो जैसे ही टैंक फुल होता है तो फ्लोट वाल वाटर सप्लाई ऑफ कर देना है। और वाटर सप्लाई के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक एल्बो फिटिंग लगाना है 1/4 का। ओके, तो यहाँ से वाटर इनपुट होगा और स्टोरेज जार इस तरह से सिंपली इंस्टॉल होता है, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों अब हमने जैसे कहा था कि पानी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हॉट का लाइट बंद हो चुका है, इसलिए वो पूरी तरह से हॉट हो चुका है, उसका लास्ट पॉइंट आ चुका है, तो वो अपने आप क्लोज हो जाता है। दोस्तों आप देख सकते हो कि पानी में से क्लियरली आप दिख सकता है कि पानी में से बाफ आ रही है और ये हॉट वाटर हमारा। उसी तरह से कोल्ड वाटर का भी फॉर्मूला हम जान लेते हैं।
तो इसे तो मैं इसमें तो भाप आएगी नहीं और छूकर बताना मतलब ये सिर्फ ग्लास में दिख जाएगा आपको। ये हमारा कोल्ड वाटर हो गया। ओके।